भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला एक तरफा साबित हुआ। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जो मैदान में उतरते ही गलत साबित हो गया। टीम इंडिया के पेस अटैक ने आते ही लंका ढा दी। युवा पेसर मोहम्मद सिराज ने महज 15 गेंद में 5 विकेट लेकर 91 साल का इतिहास बदल दिया। मैच में मोहम्मद सिराज का कहर देखने को मिला। अपना तीसरा ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। भारत ने साल 1932 में क्रिकेट जगत में कदम रखा था, लेकिन अभी तक 91 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट में ऐसा कोई बॉलर देखने को नहीं मिला था जिसने एक ओवर में 4 विकेट झटक विरोधी टीम के परखच्चे उड़ा दिए हो। फाइनल में सिराज ने 16 गेंदों में ही पंजा खोला और श्रीलंका टीम को तहस नहस कर दिया। सिराज श्रीलंका के परखच्चे उड़ाने के बाद दुनिया के चौथे ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर में 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया हो। इसके अलावा सिराज वनडे में सबसे तेज 5 विकेट लेने वाले भारत के पहले और विश्व के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज ने मैच में 6 विकेट अपने नाम किए। बता दें, श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया था। इसके बाद ओवर करने आए सिराज ने अकेले ही लंका के परखच्चे उड़ा दिए। श्रीलंका ने 12 रन पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। वहीं टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 3 विकेट अपने नाम किए। भारत के पेस अटैक ने 50 रन पर ही श्रीलंका को समेट दिया। जवाबी कार्रवाई में उतरी टीम इंडिया ने महज 6.1 ओवर में ही खिताबी जीत दर्ज की। शुभमन गिल और ईशान किशन ने शानदार तरीके से बैटिंग की और टीम को 10 विकेटों से जीत दिला दी। बता दें, टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप पर कब्जा किया है।